चाहे वो लोकतांत्रिक आंदोलन हो, चाहे वो संघीयता के लिए भइल आंदोलन हो, मरीस जन विद्रोह हो, चाहे विभिन्न किस्म के सशस्त्र संघर्ष हो के, तो बड़ा भी हमारा याद बा कि अभी प्रदेश के पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रहल दीपेन जी भी जौन किस्म के बाहर से भी हम देखी ओबरा इंटरव्यू करके भी सुनावल हो, तो जमुना हिसाब से हर एक कालखंड में जौन रेडियो वीरगंज के जौन भूमिका रहल बा उस सराहनीय रहल बा। शायद ये परिवर्तन के जितना भी आंदोलन भइल 62-63 के चाहे शाही काल के समय होके, चाहे वो 62-63 के लोकतांत्रिक आंदोलन हो, चाहे मरीस जन विद्रोह हो, उस सारा में अगर कौनो यहाँ के विश्वासी लोग सबसे ज्यादा भरोसामंद, सबसे ज्यादा पत्याय वाला, सबसे ज्यादा लोग के सुने वाला रेडियो वीरगंज के इतिहास रहा, जौन एगो गरिमा प्रतिष्ठा आज के दिन में रेडियो वीरगंज के बाद। हमरा से पर्सनली पूछें तो हम काठमांडू भी गईला पर भी रेडियो वीरगंज ही सुने, जनकपुर में सवेरे चाहे वो 5:30 बजे के न्यूज हो, चाहे 7 बजे के हो, उस सब में रेडियो वीरगंज के ही सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाला। रेडियो वीरगंज ना महिला पर ही दूसरा रेडियो के न्यूज सुना, इससे कहा यह चीज कि रेडियो वीरगंज, रेडियो वीरगंज शुरू से ही चाहे वो विभिन्न किस्म के जौन गतिविधि बा, चाहे आर्थिक गतिविधि होके, चाहे राजनीतिक गतिविधि होके, चाहे भ्रष्टाचार के संदर्भ में होके, चाहे अन्य सामाजिक कुरीति के संदर्भ में होके, हर विषय के उजागर करत आए। हम शुभकामना देवे के चाहते कि रेडियो वीरगंज जौन ई गरिमा कायम की लेवा, ई गरिमा के निरंतर कायम करते हुए अगाड़ी बढ़ो, इस सबसे बड़ा एकर इतना में सफलता बा। जौन एकर टीम बा, आज हमने के बीच में बहुत लोग सम्मानित हुए, रामनारायण जी, लगायत के मित्र ध्रुव अधिकारी जी, उज्जवल जी, लगायत के जौन ई परिवार बा, ई परिवार भी उतना ही धन्यवाद के पात्र बा, ई परिवार भी उतना ही काबिले तारीफ बा, ई सब के योग्य सक्षम निष्पक्ष भयरहित जौन किसी के न्यूज संप्रेषण करे के जौन तरीका बा, ई तरीका ई काम करे के जौन एगो ई टीम स्प्रिट बा, निश्चित रूप से ई सब कोई ही धन्यवाद के पात्र बा। सबसे बड़ा जौन ई पूरे रेडियो वीरगंज लगायत के जौन एकरा के एकर व्यवस्थापन के जौन प्रमुख रहल मित्र ध्रुव जी, जो ध्रुव अधिकारी जी बड़ा भावपूर्ण शब्द में व्याख्या कर कि हर यहाँ के कर्मचारी के सुख में दुख में साथ रहे वाला, ये व्यवस्थापन के महत्वपूर्ण पक्ष वाला, कोनो भी व्यवस्थापक ओकरा साथे काम करे वाला जो टीम के ओकर भावना के कदर ना करी, तो निश्चित रूप से काम तो करी लेकिन ओकरा काम में उत्साह ना रहे, काम तो करी लेकिन काम के जौन किसी के वो प्रतिफल आवे के चाहिए वो ना आए, काम तो करी लेकिन काम जौन एगो दिल से काम कई जाला ओकरा में जौन किसी के को मजा आवेला वो ना आए, तो ऐसे जौन किसी की एगो टीम रेडियो वीरगंज अब टीवी वीरगंज भी संचालन हो रहा बा, करे जा रहा बा अब नियमित हिसाब से, निश्चित रूप से ये टीम जौन किसी के व्यवस्थापन में आज संचालन हो रहा बा, ये सब कोई धन्यवाद के पात्र रहा। आज के हिसाब में देखा जाओ तो बहुत सारा हमने के संचार के
माध्यम से हमने के इन्फॉर्मेशन लेने से, लेकिन ये भेग में सबसे पहले लोग प्राय टीका कर ला रेडियो बीरगंज सुना, ऐसे ये जो प्रतिष्ठा बा, ये प्रतिष्ठा आज के ना शायद एक स्थापना काल से एक नेतृत्व करे वाला जो चाहे जो भी हो केहू रहल बा विगत में, वो निरंतरता आई निरंतरता के और बखूबी से कायम करत एकरा के स्थापित कैले बारे हमने के ध्रुआ जी फिर इनका के धन्यवाद देवे के चाहते। बहुत कुछ बात उठल हो कि मीडिया के यहाँ के जौन की पत्रकार महासंघ, निश्चित रूप से हम अपने खुद अपने हमरा से पूछल जाए तो हम अपने खुद निराश बने, निराश इन द सेंस अभी ये मंच पर अपना ही बात कहिल उतना उपयुक्त ना रहे, निराश ये माने में कि जौन काम करने के जौन मैकेनिज्म बा वो मैकेनिज्म आज भी वो मैकेनिज्म वो सहयोगी नहीं खेर आपन पीड़ा केकरा से सुना हो जा, छोटा सा भी काम करके भी जौन किसिम के हडल, जौन किसिम के अवरोध, जौन किसिम के एगो कॉपरेशन चाहिए, मंत्री मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद जो निर्णय करेला वो निर्णय के कार्यान्वयन करे वाला निकाय अगर ईमानदार नहीं थे वो हरदम असहयोगी भावना से वो अगर अगाड़ी बढ़ रहा बा तो रिजल्ट अगर जन प्रतिफल वो सही ना हो। ये बहुत सारा चीज बा ये मंच पर एक कार्यक्रम में कहल ना जा सकता, लेकिन एक बात जरूर बा बहुत सारा चाहके ना चाहके भी जौन किसी के एगो हमने के इन बनौले बानी वो बाद में भी बहुत ओकर संशोधन कैल गए, बहुत सारा पता लगा वाला पर अपने लगन के कहे के तो चाहे ना चाहे अभी हम नहीं की ओकरा में जाए के चाह जे वहां भी ब्यूरोक्रेटिक जौन किसी के जौन एगो भूमिका होके के चाहे वो राजनीति कर्मी के भूमिका से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक जौन ओकर जौन एगो चिंतन है सोच है वो डिस्टर्ब कर ले, लेकिन हमने प्रयास कही नहीं सर जे आए वाला दिन में ये प्रदेश मुलुक में जितना भी लोकतांत्रिक आंदोलन बा आज के दिन में भी लोकतंत्र के बचाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बात संचार कर्मी के, आज के दिन में जौन हमने के आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल जौन भइल बा एकरा में अग्रणी भूमिका खेले वाला संचार कर्मी ओमे भी कहल जाऊ तो यहाँ के खास करके वीरगंज जहाँ की मूल नाका रहल बा मुलुक के हर चीज यहाँ से डिसाइसिव होके यही क्रम में हम जाने के थोड़ा ये अपने लगन के जानकारी देवे के चाहता नहीं कि एक बार जौन हमनी के सरकार के साथ बैठक रहा बैठक के वो कार्यदल में हम भी रहनी थोड़ा रेडियो वीरगंज के ध्रुव जी के लगायत के यहाँ के संचार कर्मी के हम भूमिका के बारे में थोड़ा चर्चा करे के चाहते हैं। वो वार्ता टोली हमनी के पार्टी कार्यालय वो बरा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के पार्टी कार्यालय रहे वो बरा सरकार के नेतृत्व करे वाला कमल थापा रहे हमनी के माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण हम सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला ये टीम के नेतृत्व करे वाला और रात के करीब करीब पार्टी कार्यालय हमनी के पार्टी कार्यालय ये अपने के तीन कोने में ये कार्यक्रम रहे वो बरा के गृह मंत्री शक्ति बहादुर बस ने वहां एक सहमति होता जे हमनी के जो सरकार के तरफ से जो किसी के व्यवहार होता तो कम कर जा आ एगो निकास वार्ता के माध्यम से एगो निकास देवे के कर जा, लेकिन सरकार धोखेबाजी कर यहाँ हमनी के करीब करीब वहां से पार्टी कार्यालय से निकल नहीं सन तो वो बड़ा हमारा बुझाता जे करीब करीब 9:30 बजे के समय रहे, लेकिन वो भइले सहमति में जाए के तुरंत गृह मंत्री के आदेश भइल बॉर्डर नाका पर से सब लोग जबरदस्ती उठा के ले आए, लेकिन वो रात के हमारा आज भी दृश्य याद बा वो रात के आज भी घटना याद बा रात के करीब 1:30-2 बजे के सारा हो रहे, लेकिन सुबह में यही अपने लगा रेडियो वीरगंज के महत्वपूर्ण में भूमिका रहे साथ साथ यहाँ के लोकल संचार कर्मी के भूमिका रहे ये वहां के लोग के आंदोलन के दबावे खाति आंदोलन के
समाप्त करे खातिर सरकार के तरफ से एक किस्म के काम हो रहा बा। हमरा याद बा कि वो दिन के 4-5 घंटा के बाद इतना लोग रोड पर उतर गए कि यहाँ के जो कर्फ्यू लगाए के काम ना लगा, अंत में सरकार बैकफुट पर गए। ये भूमिका रहल बा यहाँ के संचार कर्मी साथी लोग के, ये भूमिका रहल बा रेडियो वीरगंज के, तो ये भूमिका निरंतर हो और ये निरंतर तपाई करके हम विश्वास लेवे के चाहत करे के चाहता नहीं। और हमारा विश्वास बा कि जौन टीम बा दुर्गा जी के, उनकर जौन साथी लोग बा, सहकर्मी लोग बा, उनकर सहयोगी लोग बा, उनकर संवाददाता लोग बा, वो लोग के महत्वपूर्ण भूमिका आवे वाला दिन में और भी रही, और भी सत्य तथ्य चाहे वो कोनो भी अवस्था में लोकतंत्र का रक्षा करे खातिर, संघीयता के बचावे खातिर, गणतंत्र के रक्षा करे खातिर, आज मुल्क में हजारों लोग के कुर्बानी के बाद स्थापित जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो, उस संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त करे खातिर आज भी विभिन्न किस्म के षड्यंत्र हो रहा है। आज भी अपने के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कैसे कमजोर हो, आज भी कैबिनेट से निर्णय करके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ओकरा के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हटा के सिर्फ नेपाल एकर पीछे का राज का, एकर का पीछे के कारण का, एकर पीछे के कारण यह कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ना बचाए वाला व्यक्ति आज सरकार के नेतृत्व कर रहा बा केपी शर्मा ओली, आज ई कारण यह ई कारण। तो ऐसे आए वाला दिन में, आए वाला दिन में ऐसा बहुत सारा षड्यंत्र हो कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कैसे समाप्त हो, बहुत सारा षड्यंत्र हो कि ये मुलुक से कैसे इतना बड़ा उपलब्धि बहु कैसे समाप्त हो, बहुत सारा षड्यंत्र हो। आज के दिन में भी बहुत सारा एलिमेंट सब में वर्किंग कर रहा बा, जैसे लोकतंत्र के रक्षा करे खातिर, संघीयता के रक्षा करे हो सकला, बहुत साथी लोग के गुनासू आई हो सकला कि लाल बाबू मुख्यमंत्री आज बड़े कल नहीं कर, कोनो विरासत में मिलल हमरा नहीं खे, लेकिन ये व्यवस्था रही तो ये व्यवस्था में कल आप भी हो सकते हैं, कल और भी हो सकते हैं, ये व्यवस्था रहेगा तो सारे चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था समाप्त नहीं हो, व्यवस्था का गला नहीं दबाया जाए, गला नहीं दबोच कर मारा जाए, उसमें भी आप सबके खास करके संचार कर्मी मित्र लोग का अहम भूमिका है। आप सबके भूमिका से ही कल के दिन में ये मुलुक में संघीयता आया, गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया। मैं देखा हूं रात रात भर यहां के संचार कर्मी मित्र लोग एकदम रोड पर रहते थे, आंदोलन कर्मी से जो आंदोलन करते थे उनसे एक किस्ती पगाड़ी रहते थे, शायद आपकी उस समय भूमिका नहीं रहता तो बहुत दमन होती, आपका भूमिका नहीं रहता तो बहुत सारा आंदोलनकारियों पर जुल्म किया जाता, लेकिन आपका भूमिका था। इसलिए आज ये प्रदेश में आप देखते होंगे कि इतना बड़ा परिवर्तनकारी शक्ति के सरकार बना, मेरा नेतृत्व में सरकार बना, मेरा नेतृत्व के सरकार में अगर कहिएगा या मधेसी वादियों के दल के नेतृत्व में जो सरकार बना, तो हम अगर हमें मूल्यांकन करना पड़ा तो अगर हमें ज्यादा नहीं तो मुझे लगता है ये अभिन्न वर्तमान परिस्थिति में ले जाने में बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आप संचार कर्मियों का, रेडियो वीरगंज का, इसलिए ये व्यवस्था के रखने के लिए, संघीयता को बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए, ये मुलुक में अनियमितता कुशासन को समाप्त करने के लिए आपका अहम भूमिका होनी चाहिए।